आज दुमका लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद शहर के आउटडोर स्टेडियम में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शिरकत की। इसके साथ ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने कहा कि दुमका सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस सीट से शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ बसंत सोरेन ने भी जीत दर्ज की है, इसलिए इस बार आप सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन को भारी मतों से जिताएं। इधर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज बताया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी झूठ बोलकर लोगों को ठग कर सत्ता में आई है, आप इस पर विश्वास नहीं करें और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। जो लड़ाई विषम गुरु जी शिबू सोरेन जी ने झारखंड बनाने के लिए लड़ी थी, ये दुमका एक राजनीतिक वो क्षेत्र है जिसने गुरु जी को बहुत बड़ी पहचान दिलाई। ये वो दुमका है जिसने आपके अपने बेटे हेमंत सोरेन जी को विधानसभा भेजने का पहला काम किया था। ये वो दुमका है जहाँ उनका अपना छोटा भाई बसंत सोरेन आज बहुत बेहतरी के साथ नेतृत्व कर रहा है। तो मेरा ये सवाल आप लोगों से है, दुमका तैयार है? जो देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, केंद्र सरकार है, बहुत ऐसा बात करके, ऐसा झूठ बात करके, सबको एक जुमलाबाजी बात करके सत्ता में आने का काम किया है। और आज 10 साल तक केंद्र में शासन है उनका, लेकिन देश के जनता, प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है और विशेष करके झारखंड के जनता के साथ, यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ का पिछड़ा जाति के साथ, यहाँ का दलित के साथ, यहाँ का अल्पसंख्यक के साथ धोखा देने का काम किया है। इसलिए आज ऐसा झूठ और जुमला बोलने वाला भारतीय जनता पार्टी, इजहार वोट मांगने का उनका अधिकार नहीं है।